कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने भी बड़ा ऐलान किया है। मेट्रो ने पहले ही कुछ पाबंदियां लागू कर दी थी और अब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या है मेट्रो प्रशासन की एडवाइजरी, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। जनता कर्फ्यू के दिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो सेवा बंद करने का फैसला लिया है। यानी उस दिन दिल्ली या आसपास के रहने वाले लोग मेट्रो की सुविधा नहीं ले पाएंगे, जिससे साफ है कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कल पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया था, जिसमें जनता कर्फ्यू का जिक्र था। इसी के बाद मेट्रो प्रशासन ने कदम आगे बढ़ाए। इससे पहले दिल्ली मेट्रो की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया था कि यात्री मेट्रो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरूरी होने पर ही करें। मेट्रो में सफर करते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। एक सीट छोड़कर बैठने की कोशिश करें। यात्री खड़े होकर यात्रा न करें। वहीं मेट्रो में सीमित संख्या में ही यात्रियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। मेट्रो द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए बार बार इसकी घोषणा की जा रही है। इसके अलावा मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों की रैंडम थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। खास बात ये कि दिल्ली मेट्रो ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि जिन स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ होगी, यानी जहां यात्रियों के बीच 1 मीटर की अपेक्षित दूरी नहीं होगी, वहां मेट्रो नहीं रुकेगी। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों या कोरोना वायरस के लक्षण वाले यात्रियों को किसी भी मोड से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।